बीते 6 माह से कोरोना संक्रमण के साए में देश का हर नागरिक विभिन्न समस्याओं से त्रस्त हो चुका है। सुबह से शाम तक क्या खबर, क्या सोशल मीडिया और क्या खबरिया टीवी चैनल्स, हर तरफ कोरोना से जुड़ी खबरों की भरमार है। लेकिन इन दिनों दिग्रस तहसीलवासियों के लिए फिलहाल खुशी की खबर यह है कि दिग्रस कोविड केयर में एक भी एक्टिव पॉजिटिव कोरोना मरीज नहीं। इस बात की पुष्टि करते हुए कोविड केयर के इंचार्ज डॉक्टर अभय गोविंदवार ने बताया कि कोविड केयर में फिलहाल कोई पॉजिटिव मरीज नहीं, जबकि दिग्रस शहर और तहसील में कुल 17 लोग हैं जो होम आइसोलेशन में है। डॉक्टर अभय के मुताबिक हाल ही में जिलाधिकारी और महकमा संगठन के बीच उपजे विवाद थमने के बाद बीते शनिवार को दोबारा शुरू हुई स्वैब टेस्टिंग प्रक्रिया में दिग्रस कोविड केयर में रैपिड एंटीजन के तहत 12 और RT-PCR के तहत 18 स्वैब सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। गौरतलब है कि बीते रविवार को यानी 4 अक्टूबर को तहसील के तहत आने वाले विठाड़ा ग्राम के 55 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी, जिसके बाद तहसील कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 21 हो चुका है। बहरहाल दिग्रस शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटने के बाद शहर के लोगों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन आइंदा दिनों में हमें कोरोना से बचाव के लिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कोरोना प्रकोप का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इन बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।